हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की एक अलग रेसिपी, एकदम करारी चटपटी सी डिश, पालक की चाट। तो आइए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले एक बोल में 5 से 6 चम्मच हम बेसन डाल लेंगे और उसमें लगभग 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लावर से इसमें क्रिस्पी बनाया जाएगा। हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। अब इसमें थोड़े मसाले डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी, धनिया के पत्ते और नमक स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को एक बार हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम इसमें पानी डालना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, और इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, वरना बैटर हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी कम था, मैंने और ऐड कर दिया है। और देखिए, हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब देखिए, बैटर तैयार है और ये रहे हमारे पालक के पत्ते। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। चलिए देखिए, अच्छे से देखिए कवर हो जा रहा है। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। एक एक करके तेल में डाल दें सारा और फ्राई कर लें। देखिए, अब लगभग ये तैयार है। मैं इन्हें पलट देती हूँ। देखिए देखिए, एकदम क्रिस्पी से पकोड़े तैयार हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में सजा लेती हूँ। इसके ऊपर से दही, अच्छे से दही से कवर करने के बाद हम इसमें भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर इसके बाद हम थोड़ा इसमें काला नमक डाल देंगे। भुना जीरा और दही के साथ भुना जीरा और काला नमक का टेस्ट ऐसे भी बहुत अच्छा होता है। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च की पाउडर हम डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें हरे धनिया और पुदीने की चटनी डाल देंगे ऊपर से। और ये हो गया है हमारा। अब हम इसमें डालेंगे मीठी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, सोंठ वाली। सो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें बारीक वाली सेव डाल लेंगे। तो हमारा ये चाट रेडी हो गया है। एक बार आप भी ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय कीजिए। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।